नमस्कार फ्रेंड्स, मोबाइल रिपेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने मॉडल है नोकिया 150 TA1235। ठीक, ये मॉडल है। इसको चालू करके देखेंगे, इसके अंदर वाइट डिस्प्ले आती है, इस प्रकार का प्रॉब्लम है। ठीक है, नोकिया 150 है, इसके अंदर वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और कोई प्यारा सा कमेंट दे दो। देखिए, मैंने आपके सामने मोबाइल कंप्लीट खोल दिया है। मोबाइल आपके सामने कंप्लीट खुल चुका है। अभी इसको आपको जूम करके बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे आपको मैं जूम करके बताऊंगा। यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट दिख रहे हैं, इसमें लास्ट में जो कंपोनेंट है यहाँ पे घिसा हुआ है। देखिए, मैं क्लीन करके वॉश करके आपको सही से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये वाला जो पिन है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को अपने जोड़ना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मैं जोड़ूंगा, डिस्प्ले आने लग जाएगी। ठीक है, एक जम्पर वायर की मदद से ये दोनों पिन को, ये दोनों लेग को जम्पर कर देंगे। क्लीन कर देता हूँ, क्लीन करके आपको फिर से बताऊँगा। देखिए, मैंने जम्पर लगाया, वो जूम कर रहा हूँ। देखिए, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया है, लास्ट के लास्ट का पिन और उससे पहले का जो पिन है वो दोनों को मैंने जोड़ दिया है। जोड़ के फिर से मैं इसको फिटिंग कर लूँगा। फिट करके आप देखते हैं ये मोबाइल डिस्प्ले आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, ऑन ऑफ की दबा के देखते हैं, चालू करता हूँ। देखिए, अपनी डिस्प्ले कंप्लीट आ चुकी है, मतलब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई प्यारा सा कमेंट दे दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी प्रॉब्लम के साथ। देखिए, सिम कार्ड डाल के मैं वापस चालू करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सिम कार्ड डाल के मैंने चालू किया है तो भी कंप्लीट अपनी डिस्प्ले आ चुकी है, मतलब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के अंदर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और कोई प्यारा सा कमेंट दे दो और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें।